ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले अधिकतर शौचालयों का प्रयोग से बाहर हो जाने का एक बड़ा कारण उनकी डिज़ाइन में कोई दोष न होके बल्कि उस शौचालय की छोटी छोटी तकनीकी कमियां होती हैं, जिस पर हम अगर शुरुआत में ध्यान दे दें तो शौचालय प्रयोग में आएंगे। वो छोटी तकनीकी कमियां जैसे पी ट्रैप का सही जगह पर फिट न होना, तसले का यानी रूरल पैन का शौचालय की दीवार से सटा के बना दिया जाना, पीछे वाले गड्ढे में उचित जगह पर गैप नहीं छोड़ना, गड्ढे का बहुत गहरा बना दिया जाना जिसके परिणाम स्वरूप शौचालय में लगातार बदबू आती रहती है, शौचालय में मल कमरे में फैल जाता है, शौचालय का मल पीछे गड्ढों से निकल के बाहर होता है जिसके कारण लोग चाहकर भी ऐसे शौचालय का प्रयोग नहीं कर पाते। अगर हम शौचालय को बनाते समय ही इन छोटी छोटी तकनीकी पे ध्यान दें तो शायद हम एक बेहतर शौचालय लाभार्थी को दे पाएंगे। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे दो गड्ढे वाले जलबंद शौचालय को क्रमवार बनाकर सही तरीके का शौचालय लोगों को दे सकते हैं। सही तौर पर दो गड्ढे वाले जलबंध शौचालय का निर्माण 12 बाय 12 फीट की जमीन पर होता है। निर्माण की शुरुआत में हम चूने, रस्सी और नापने के लिए प्रयोग होने वाले इंची टेप के सहारे शौचालय का एक नक्शा या प्रारूप तैयार करेंगे। सही तौर पर दो गड्ढे वाले जलबंध शौचालय का निर्माण 12 बाय 12 फीट की जमीन पर होता है। इसके बाद 12 बाय 12 फीट की जमीन को हम बीच में दो बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। जमीन को दो हिस्सों में बांटने के बाद अब हम शौचालय के कमरे व चबूतरे का प्रारूप चूने के द्वारा बनाएंगे। इसके लिए हम 10 इंच की बुनियाद व 5 इंच की दीवार को लेकर प्रारूप बनाएंगे। जिससे कि 3x4 फीट का कमरा बन सके। अब हम शौचालय से जोड़कर एक निगरानी चेंबर का प्रारूप तैयार करेंगे।
निगरानी चेंबर की दीवारें 5 इंच और अंदरूनी हिस्सा 1x1 फीट का होगा। इसके बाद हम गड्ढे का प्रारूप भी तैयार करेंगे। जो कि निगरानी कक्ष से 2 अलग-अलग पाइपों द्वारा दोनों गड्ढों से जुड़ा होता है। गड्ढे शौचालय के कमरे से 1 मीटर की दूरी पर होते हैं। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच की दूरी लगभग 1 मीटर होनी चाहिए और अंदर से भी 1x1 मीटर के होते हैं। अब हम शौचालय के भीतर सीट का प्रारूप तैयार करेंगे। याद रखें कि सीट के पिछले हिस्से और शौचालय की दीवार के बीच दूरी 9 इंच होनी चाहिए। साथ ही सीट शौचालय की दीवारों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए ताकि शौच करने वाला व्यक्ति आसानी से बैठ सके। सीट के छेद से पावदान के पिछले हिस्से के बीच की दूरी 3 इंच की होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि शौचालय के चारों हिस्सों को बनाने के पहले किस प्रकार से 12x12 फीट की एक समतल जमीन पे चूने द्वारा मापी की जाती है। मापी करने का आधार होता है कि हम एक ही बार में चारों हिस्सों की उचित दूरी व आकार प्रकार को समझ सकें और फिर उसी आधार पर हम वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकें। देखते हैं कैसे। यदि हम मोटे तौर पर 2 गड्ढे के शौचालय की बनावट को समझें तो इसे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मल इकट्ठा करने के लिए गड्ढा, मल त्याग करने के लिए बैठने वाला चबूतरा, शौचालय का कमरा, निगरानी चेंबर जो कि मल का बहाव बदलने और साफ सफाई के काम आता है। इसके अलावा शौचालय के साथ ही पानी की एक टंकी का भी निर्माण किया जाता है जिसका उपयोग शौच व हाथ धोने के लिए किया जाता है। चूने से बनाए गए नक्शे में हम देख सकते हैं कि शौचालय किस प्रकार बनाया जाएगा। शौचालय का निर्माण हम इसी प्रारूप या नक्शे के आधार पर करेंगे। एक बार जमीन पर मापी कर लेने के बाद शौचालय का निर्माण किसी भी हिस्से से शुरू किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत गड्ढे से करने पर दूरी और तकनीकी ढलान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि गड्ढा किस तरह से बनाया जाता है। गड्ढे की गहराई भी 1 मीटर होती है। गहराई 1 मीटर रखने पर मल को खाद में बदलने वाले जीवाणु को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे वो बेहतर काम कर पाते हैं, तथा मल को खाद में बदलने के लिए सूरज की पर्याप्त गर्मी 1 मीटर तक उचित मात्रा में मिल पाती है जो कि मल को खाद में बदलने में सहायक होती है। ज्यादा गहरा गड्ढा करने पर गड्ढे की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, इसके कारण वो गड्ढे के अंदर गिर जाती हैं। इसके अलावा 1 मीटर गहरा गड्ढा रखने पर मानव मल जमीन में मौजूद पानी को प्रदूषित नहीं कर पाता। गड्ढा बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है
कि गड्ढा पीने के पानी के स्रोत जैसे कि चापाकल, कुआं या बावड़ी से सुरक्षित दूरी पर हो। यदि गड्ढे की जमीन या तल और उसके नीचे मौजूद पानी का स्तर साल के किसी भी समय में 2 मीटर से कम है, तो ऐसे में गड्ढे की दूरी अपने अगल बगल मौजूद पीने के पानी के स्रोत जैसे कि हैंडपाइप या कुएं आदि के बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। और यदि गड्ढे की जमीन या तल और उसके नीचे मौजूद पानी का स्तर 2 मीटर से ज्यादा रहता है, तो ऐसे में गड्ढे और पीने के पानी के स्रोत के बीच की दूरी 3 मीटर पर्याप्त है। देखा यह गया है कि शौचालय निर्माण करने वाले सभी घरों के पास 10 मीटर की सुरक्षित दूरी नहीं होती। साथ ही 2 गड्ढे बनाने के लिए भी पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे में 1 गड्ढे को 2 भागों में बांटकर प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही कम जगह होने के कारण 1 से 2 गड्ढे को सटाकर भी बनाया जा सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि 1 गड्ढे अथवा गड्ढे के 1 भाग का गंदा पानी दूसरे भाग या गड्ढे में ना जाए। इसके लिए हम दीवार को प्लास्टर करके सील कर देते हैं। और जिस तरफ भी कुआं या चापाकल होता है, गड्ढे की उस तरफ की दीवार को पूरी तरह से प्लास्टर करके सील कर देते हैं, ताकि मल में मौजूद जीवाणु पीने के पानी के स्रोत की तरफ न जाएं। गड्ढे का निर्माण करने के दौरान सबसे पहले गड्ढे में उतरकर गड्ढे को खोद लेने के बाद मिट्टी को ढंग से इकट्ठा करके बाहर रख दें। इसके बाद उसकी दीवार में नीचे की तरफ 3 से 4 इंच ऊंचाई तथा 2.5 इंच गहराई की नालीदार जमीन काट लें। इसके बाद गड्ढे की जुड़ाई के लिए 1/6 का मसाला यानी 1 तसला सीमेंट और 6 तसले बालू के साथ बना लें। मसाला बनाते समय बालू और सीमेंट को अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद मसाले में पानी मिलाएं। दलदली इलाकों में मसाले में कम पानी मिलाया जाता है, जबकि सूखे और पहाड़ी इलाकों में जरूरत के अनुसार पानी डाला जाता है। मसाला तैयार कर लेने के बाद सबसे पहले गड्ढे की जमीन में 1/2 इंच के मसाले को कटी हुई नाली में 10 इंच चौड़ाई में बिछा लें और इस पर गड्ढे के पहले रद्दे की ईंट को बैठाएं। पहला रद्दा 10 इंच का होगा, जिसका 1/4 हिस्सा नाली के अंदर होगा, जबकि बाकी हिस्सा गड्ढे में बाहर की तरफ निकला होगा। ईंटों के पूरी तरह बिछ जाने के बाद उनके बीच अच्छी तरह से मसाले को भर दें, क्योंकि गड्ढे की दीवार की मजबूती का आधार यही ईंटें होंगी। दीवार में ईंटों के कुल 14 रद्दे लगाए जाते हैं, जिसमें नीचे से पहला रद्दा 10 इंच का होता है और बाकी 13 रद्दे 5 इंच की ईंटों के होते हैं। ईंटों की जुड़ाई जालीदार मधुमक्खी के छत्तों जैसी होगी। ये जालियां 3रे, 5वे, 7वे, 9वे और 11वे रद्दे में दी जाती हैं। जालियों के जरिए गड्ढे का पानी जमीन में सूखता है और जमीन में मौजूद जीवाणु गड्ढे में आकर मल को खाद में बदलने का काम करते हैं। इन जालियों का आकार गड्ढे के आसपास की मिट्टी पर निर्भर करता है। भुरभुरी या बलुई मिट्टी वाले स्थानों पर इन जालियों का आकार छोटा रखा जाता है, जबकि कड़ी या पथरीली जगहों पर बड़ी जाली रखी जाती हैं।
जालियां बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनका आकार इतना बड़ा न हो कि गड्ढे के अंदर चूहे आ जाएं या फिर गड्ढे की दीवार की मिट्टी अंदर गिरने लगे। गड्ढे के आखिरी दो रद्दे जमीन के ऊपर बिना जाली के और दोनों तरफ से प्लास्टर किए हुए होंगे ताकि बरसात के दिनों में बाहरी पानी गड्ढे के अंदर न जा सके। गड्ढे को तैयार करने के साथ गड्ढे के ढक्कन को भी बनाने या तैयार करने का काम किया जा सकता है। ढक्कन को बनाने के लिए 1, 2, 4 का मसाला बना लें, फिर किसी समतल जगह पर ईंटों का प्रयोग करते हुए 50 इंच का एक घेरा बना लें। गोल बने घेरे में 1.5 इंच मोटी मसाले की परत को बिछा लें, फिर 6 मिलीमीटर की 8 किलो लोहे की सरियों का फ्रेम बना लें। इसके बाद 1.5 इंच मोटे मसाले के बीच में लोहे का फ्रेम डालकर ढक्कन को ढाल लें। उसके बाद उसे कम से कम 10 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। आइए अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ सवाल और थोड़ी चर्चा। 2 गड्ढों वाले जलबंध शौचालय को बनाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? सामान्य तौर पर शौचालय के निर्माण की शुरुआत कहां से की जानी चाहिए? गड्ढे की गहराई कितनी होती है और इसके पीछे क्या कारण है? गड्ढे में मधुमक्खी के छत्ते की तरह ईंटें क्यों लगाई जाती हैं? गड्ढे में किन रद्दों पर जाली छोड़ी जाती है और क्यों? गड्ढे के सोखते को भरने में कितना समय लगता है? पीने के पानी के स्रोत से गड्ढों की दूरी कितनी होनी चाहिए और क्यों? सवाल जवाब के इस सिलसिले के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शौचालय का अगला हिस्सा किस तरह बनेगा। दोनों गड्ढों के तैयार हो जाने के बाद नक्शे के हिसाब से 3 फीट बाय 4 फीट के चबूतरे और उसके ऊपर कमरा बनाने के लिए 1.5 फीट गहरी और 10 इंच चौड़ी नींव खोदते हैं। इसके बाद नींव की भराई के लिए 1:4:8 का यानी 1 तसला सीमेंट, 4 तसला बालू और 8 तसला गिट्टी से मसाला तैयार किया जाता है। मसाला बना लेने के बाद उसकी 3 इंच मोटी परत को पूरी नींव में फैला दें। अच्छी तरह से दुर्मुश किए जाने के बाद 10 इंच ईंट का एक रद्दा चारों तरफ लगाएं और अगले 3 रद्दे 5 इंच के लगाते हुए 1 फीट ऊपर जमीन तक बुनियाद भर लें। बुनियाद भर जाने के बाद चबूतरा बनाने से पहले पी ट्रैप या मुर्गे को लगा लेना उचित होगा, क्योंकि चबूतरे की दीवार बना देने के बाद मुर्गा बैठाने के लिए जगह नहीं मिल पाती, तो मुर्गा लगाने से पहले ये तय कर लें कि शौचालय का प्रयोग किस दिशा में बैठकर किया जाएगा, उसी अनुसार मुर्गे को लगाएं। मुर्गे को बैठाने के लिए जमीन को एकदम समतल या बराबर कर लें। फिर 1:4:8 के मसाले से 3 इंच मोटा प्लेटफॉर्म बना लें।
साथ ही मुर्गी को बैठाते समय ही दीवार से उसकी दूरी नाप लें। पीछे की दीवार से ये दूरी कम से कम 9 इंच होनी चाहिए। पीछे से 9 इंच की दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि मल त्याग करने वाला व्यक्ति आसानी से सीट पर बैठ सके और पीछे की दीवार से न टकराए। साथ ही अगल बगल की दीवारों से मुर्गा चबूतरे के बीचों बीच होना चाहिए। इसके बाद मुर्गे को इस तरह से बैठाएं कि मुर्गे के अंदर 20 मिलीमीटर के पानी का जलबंध हमेशा बना रहे। पानी के इस स्तर को ही वाटर सील कहा जाता है। वाटर सील ही गड्ढे से शौचालय के कमरे में आने वाली बदबूदार गैसें और कीड़े मकौड़ों को शौचालय में फैलने से रोकने का काम करती है और शौचालय के ठीक प्रकार से काम करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए हम स्पिरिट लेवल मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें मुर्गे की एक सीध की सटीक जानकारी देता है। मुर्गे को बैठाने के बाद ईंट का प्रयोग करते हुए 1:4 के मसाले से जाम कर दें। इस बीच शौचालय के 3 फीट चौड़े और 4 फीट लंबे चबूतरे को बनाने के लिए 1.5 फीट ऊंची 5 इंच ईंट की दीवार को 1:6 के मसाले से जोड़ेंगे। मुर्गे के अच्छी तरह से जम जाने के बाद 4 इंच की पाइप लगाई जाएगी। सीमेंट के साथ भीगे हुए जूट या सूती कपड़े से पाइप को मुर्गे से जोड़कर जाम किया जाएगा ताकि मल बाहर न बहे। मुर्गे की पाइप को निगरानी कक्ष के भीतरी दीवार तक ले आएंगे। पाइप मल को मुर्गे से निगरानी कक्ष तक ले जाने का काम करेगी। आइए अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ सवाल और थोड़ी चर्चा। निगरानी चेंबर और मुर्गे की पाइप को किस प्रकार जोड़ा जाता है? मुर्गे को किस प्रकार लगाया